हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीटीयू लीग 2022 के बारे में। जी गाइस, आप लोग डीटीयू लीग 2022 का गाइस एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होगा, किस तरह से फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, एडमिट किस तरह से डाउनलोड करना है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। आपको सिंपली क्या करना है गाइस, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि गाइस इस चैनल के थ्रू आपको डीटीयू लीग 2022 के हर एक छोटी से छोटी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डीटीयू लीग का फुल फॉर्म हम देखेंगे, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी लेटरल एंट्री एंट्रेंस एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट, इसका जो है गाइस यहाँ पे फुल फॉर्म है, जो कि यूजी लेवल नेशनल लेवल एग्जाम, यानी कि ऑल ओवर कंट्री से कोई भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात की जाएगी गाइस कौन से कोर्सेज अप्लाई किए जाते हैं, तो गाइस कई सारे वेरियस कोर्सेज लाइक बीटी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इंजीनियरिंग फिजिक्स एनवायरमेंट इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल एंड ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, पॉलीमर साइंस एंड केमिकल टेक्नोलॉजी हो गया, डीटीयू पीएचडी, कई सारे वेरियस कोर्सेज आपको यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड कराए जाते हैं। अब गाइस डीटीयू लीग की कंडक्टिंग अथॉरिटी कौन है, किस ऑर्गेनाइजिंग बॉडी के थ्रू आप लोग का ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, तो गाइस दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी कि यहाँ पे जो है डीटीयू के थ्रू आप लोगों का एग्जाम ये कंडक्ट करवाया जाता है। अब नेक्स्ट बात की जाएगी एप्लीकेशन मोड की, तो गाइस आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे रिलीज होता है, सेम एज इट इज फॉर एग्जाम, एग्जाम भी दोनों ही मोड में कंडक्ट कराया जाता है। ड्यूरेशन टोटल 2 घंटे का दिया जाएगा, 2 घंटे में पूरा पेपर आपको कंप्लीट करना होगा, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम आपका अलॉट नहीं किया जाएगा। बात की जाए यहाँ पे डेट्स की, तो गाइस आप लोगों का डीटीयू लीग 2022 की जो डेट्स है अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ऑफिशियल अथॉरिटी एग्जाम डेट अनाउंस करती है, डेट से यहाँ पे रिलीज होगी, तुरंत उसके ऊपर हम एक वीडियो बना देंगे और उस वीडियो के थ्रू गाइस आप लोगों को जो है तुरंत अपडेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशन फॉर्म पे। अब गाइस यहाँ पे आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे डीटीयू लीग 2022 का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं अगर आप कोई भी गलती करते हो, कोई मिस्टेक करते हो, कोई भी इनवैलिड डिटेल्स अगर आप एंटर करते हैं, तो गाइस आपका एप्लीकेशन में भी डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, तो उस केस में आपको क्या करना है वो सॉल्यूशन भी हम बताएंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ पे एक रफ ओवरव्यू देते तो कि एक्चुअल में आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है क्या। तो गाइस आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते जाएं, सबसे पहले अपना पर्सनल डिटेल्स, नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करना है, फिर आपको पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी है। पर्सनल डिटेल्स एंटर करने के बाद आप लोगों को जो है फिर गाइस वहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि आपका एकेडमिक डिटेल्स फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, फोटोग्राफ सिग्नेचर, उसके बाद लास्ट में आपके एप्लीकेशन फी पे करनी है और आप लोगों का रजिस्ट्रेशन तब जाके कंप्लीट होता है। लेकिन ये सारे स्टेप में गए स्टूडेंट कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हैं, उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। तो गाइस आप लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं, सिंपली आपको इसके लिए क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि गाइस जैसे आप लोग मैं बता दूं यहाँ पे डीटीयू लीग 2022 का जैसे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा, एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होते ही तुरंत उसके नेक्स्ट सेकेंड गाइस यहाँ पे हम तुरंत उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके साथ अप टू डेट रहते हैं हर टाइम, तो जैसे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा तुरंत उसके अगले ही पल यहाँ पे एक वीडियो बना दिया जाएगा, उस वीडियो में गाइस आप लोगों को लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताएंगे। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना, लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग मींस आपका फर्स्ट स्टेप यानी कि आपका नाम एंटर करने से फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन फी पे करने तक पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फ्री यहाँ पे लाइव फिल करके बताया जाएगा, सेम एज इट इज आपको स्टेप फॉलो करना है और आपका एप्लीकेशन कंप्लीटली फिल हो जाएगा। तो मेक श्योर कीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब किया ताकि आपको कोई भी परेशानी दिक्कत ना हो। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो गाइस सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे अगर आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना कंपलसरी मैंडेटरी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करते अगर तो एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आइए देखते क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यहाँ पे गाइस आप 3 इयर्स डिप्लोमा कंप्लीट किए हुए रहने चाहिए, आप किसी भी ब्रांच से इंजीनियरिंग के किसी भी ब्रांच से तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। जनरल कास्ट से बिलोंग करते हो तो 60% मिनिमम रहना चाहिए यहाँ पे डिप्लोमा में, और अगर एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो 55% रहा तो भी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप अपियरिंग कैंडिडेट हो फाइनल ईयर में तो भी गाइस इस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल और अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। अब गाइस इसका जो पेपर है आपका मैंने ऑलरेडी बताया, पेन पेपर बेस्ड भी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा, जो भी आप प्रेफर करते हैं आप वो एग्जाम दे सकते हैं। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे में पूरा पेपर आपको कंप्लीट करना होगा, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम अलॉट नहीं किया जाएगा।
यहाँ पे हर एक सही आंसर पे आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे, हर गलत आंसर पे आपका 1 मार्क्स डीटा को, यानी कि 1 मार्क्स की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग दी गई है। अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइस एडमिट कार्ड की। तो गाइस आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है उसमें कई सारी डिटेल्स है, जो आपका फोटोग्राफ रहेगा, सिग्नेचर रहेगा, एग्जाम वेन्यू, एग्जाम डेट, यहाँ पे सब्जेक्ट्स रहेंगे, पीछे जो है आपके एडमिट कार्ड के पीछे जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं। लेकिन गाइस कई बार क्या होता है ना, ये तो एडमिट कार्ड की डिटेल्स हो गई, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। कई बार स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, और अगर पता चले तो किस तरह से डाउनलोड करना है, लिंक है, ये सारी डिटेल्स नहीं पता होती, और सिर्फ और सिर्फ इस वजह से वो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते। तो गाइस आपके साथ ऐसा कुछ नहीं, सिंपली इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जैसे आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा, एडमिट कार्ड रिलीज होते तुरंत हम आपको वीडियो के थ्रू अपडेट करके बता देंगे कि किस तरह से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, सेम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना होगा, और आप लोगों का एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। सेम एज इट इज फॉर रिजल्ट, रिजल्ट डिक्लेयर कर तुरंत आपको नोटिफाई करके अपडेट करके बता देंगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, आपका रिजल्ट आप सबसे पहले तुरंत चेक कर लेंगे। सो गाइस नाउ आई होप कि अभी आप लोगों को DTU League 2022 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा। इनकेस कोई डाउट है, कोई भी हेल्प चाहिए, आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।